रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी के सामने बॉलीवुड के ड्रग एडिक्ट्स के बारे में मुंह खोलना शुरू कर दिया है। तीन एक्ट्रेसेस का नाम सामने आया है। एनसीबी ने अब तैयारी कर ली है इन तीन एक्ट्रेसेस को समन करने की। एक्चुअली इनमें से दो एक्ट्रेसेस हैं, तीसरी जो है वो एक सोशलाइट है, फैशन डिजाइनर है, लेकिन बॉलीवुड के एक सर्कल का अहम हिस्सा है। बचपन से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच में रही है। करण जौहर से लेकर रणवीर सिंह इसके दोस्त है और उन्हीं के साथ उठना बैठना है। तो कौन है ये तीन नाम? रिया चक्रवर्ती ने किन तीन एक्ट्रेसेस के नाम उगले हैं एनसीबी के सामने, अब मैं आपको बताने जा रही हूं। सबसे पहला नाम उस लड़की का है जिसका जिक्र काफी हुआ मिस्ट्री गर्ल के रूप में। वही सुशांत सिंह राजपूत के घर के बाहर ब्लू एंड व्हाइट स्ट्रैप वाली टी शर्ट वाली लड़की, जिसके लिए कहा गया कि ये सिमोन खंबाता है। हालांकि मिस्ट्री गर्ल तो सिमोन खंबाता नहीं थी, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को कहा है कि सिमोन खंबाता ड्रग्स लेती थी, उसके साथ मैंने ड्रग्स पार्टी की है। सिमोन खंबाता रणवीर सिंह की बचपन की दोस्त है और करण जौहर, फरहान अख्तर, जोया अख्तर इन सभी की बेस्ट फ्रेंड है। काफी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ इसका उठना बैठना है। इनफैक्ट एक टाइम के लिए जब रिया चक्रवर्ती पर ये इल्जाम लगने लगे थे, तब सिमोन खंबाता ने रिया को जस्टिस दिलाने के लिए कई पोस्ट भी किए थे। हालांकि जब मामला उनके ऊपर आता नजर आया तो उन्होंने मीडिया को ही स्लैम करना शुरू कर दिया कि किसी की भी फोटो देखकर पता नहीं होता है, उसके बावजूद मिस्ट्री गर्ल के रूप में वायरल कर देते हो, मैं वो मिस्ट्री गर्ल नहीं हूं। सिमोन खंबाता वहां से बच के निकल गई, लेकिन यहां पर सिमोन खंबाता का नाम आ गया है सामने। सिमोन खंबाता खुद बॉलीवुड एक्ट्रेस नहीं है, लेकिन बॉलीवुड एक्टर्स के बीच में उठना बैठना है, ये वो मछली है जिससे बॉलीवुड की और भी मछलियां एनसीबी खींच सकती है। अब बात करते हैं दूसरे नाम की। दूसरा जो नाम है वो एक्ट्रेस अभी अपने करियर को बिल्ड कर रही है। अजय देवगन के साथ हाल ही में फिल्म आई थी और काफी तारीफ हुई थी इनकी। धीरे धीरे इनकी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। यहां पर बात हो रही है रकुल प्रीत सिंह की। जी हाँ, रकुल प्रीत सिंह का नाम दिया है रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को और कहा है कि इनके साथ भी मैंने पार्टी की है। रकुल प्रीत सिंह के साथ कई बार रिया चक्रवर्ती को देखा गया है और रिया चक्रवर्ती की पोस्ट पर रकुल प्रीत सिंह के हमेशा कमेंट्स और लाइक्स आते रहते हैं, जिससे ये प्रूव होता है कि दोनों में अच्छी दोस्ती है। तीसरा और आखिरी नाम, जो कि एक बड़े खानदान से, बॉलीवुड की बड़ी फैमिली से ताल्लुकात रखता है, नवाबों का नाम जुड़ा हुआ है, सैफ अली खान की बेटी सारा अली खान। जी हाँ, तीसरा और सबसे बड़ा नाम रिया चक्रवर्ती ने जो एनसीबी को दिया है कि कौन एक्टर्स ड्रग लेते हैं या किन के साथ तुमने ड्रग पार्टी की है, उसमें तीसरा नाम सारा अली खान का आ गया है। सारा अली खान ने डेब्यू हाल ही में किया था, अच्छा डेब्यू था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, लोगों को वो बहुत पसंद आई। सुशांत के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया, रणवीर सिंह के साथ वो आ चुकी है, हाल ही में कार्तिक आर्यन के साथ वो नज़र आई। सारा अली खान की बातें लोगों को काफ़ी पसंद आती है, वो बाकी एक्टर्स से हटकर इंटेलेक्चुअल बातें करती है। लेकिन अब सारा अली का नाम कॉन्ट्रोवर्सी में ड्रैग हो रहा है। ड्रग्स के मामले में एनसीबी सारा अली खान को भी समन करेगी और पूछताछ होगी। आपको बता दें कि ये खबर तेजी से वायरल हो रही है। इन तीनों एक्ट्रेसेस के नाम बाहर आ चुके हैं, अभी और भी नाम बाहर आने बाकी है। 25 सेलिब्रिटीज की लिस्ट है जिसमें से अभी ये तीन नाम आए हैं। सोचिए, अभी 22 नेम्स आना बाकी है।